हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल टूडे वी आर डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन इन प्रीवियस वीडियोज़ वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट वॉट इज हाइड्रोलॉजी वॉटर साइकिल फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन वट इज प्रेसिपिटेशन सो मैं इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक इट आउट सो नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन फर्स्ट इज साइक्लोनिक सेकेंड इज कन्वेक्शन कन्वेक्शन थर्ड इज और सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन तो साइक्लोनिक वर्ड जो है हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम बहुत सुनते हैं जब भी ठंडा स्ट्रॉम आता है तो साइक्लोन वर्ड हमारा आता ही है सुनने में तो ये क्या होता है जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं जब सनरेज जो है वो वाटर सरफेस पे पड़ती है तो जो सरफेस होता है वाटर का वो हीट हो जाता है ठीक है जब वो हीट अप होता है तो वहाँ की एयर जो है वो भी वार्म हो जाती है ठीक है जब वो एयर uh, जब वार्म होती है तो क्या होता है वो एज वी नो कि वार्म एयर हमेशा ऊपर जो वार्म एयर होती है वो ऊपर जाती है है ना तो वो ऊपर की तरफ जाती है मीन्स राइज अप होती है ठीक है उसके बाद जब ये कूल cool डाउन होती है तब तो ये कंडेंसेशन के फॉर्म में आके क्लाउड्स बनाती है जब वो कंडेंस हो जाती है तो वो क्लाउड्स बनाती है अब इस क्लाउड्स में क्या होते हैं वाटर वेपर तो क्लाउड्स क्लाउड्स uh, में वाटर वेपर होते हैं तो वाटर वेपर जो है <coughs> मतलब जो क्लाउड्स है वो वाटर वेपर को सस्पेंड नहीं कर पाती है ज़्यादा टाइम तक तो देन इवेंचुअली इन द फॉर्म ऑफ वाटर वो वापस से अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं एंड इसी को हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं ये मेनली ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा होता है फॉर एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल वगैरह में ये ज़्यादा होता है नाउ सेकेंड वी डिस्कस अबाउट कन्वेक्शन प्रेसिपिटेशन कन्वेक्शन कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं ये कन्वेक्टिव uh, प्रेसिपिटेशन होते हैं अगर एयर के मीडियम में कुछ चेंज आ रहे हैं तो उसकी वजह से कन कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है लाइक like, अगर हमारा एयर वार्म है वार्म एयर किसी कोल्ड कंडीशन में जा रहा है कूल cool कंडीशन में जा रहा है तो वहाँ पे, तब कन्वेक्शन होता है ठीक है तो जब एयर का मीडियम चेंज होता है तब कन्वेक्शन अकर uh, होता है सी uh, जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस इन टेम्परेचर सरफेस के ऊपर अनइक्वल हीटिंग होने लगती है ठीक है तो टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाते हैं तो जैसे फिगर में वी कैन सी दैट कि उसकी वजह से इवेपोरेशन हो रहा है आफ्टर दैट कन्वेक्शन हो रहा है और कन्वेक्शन के बाद ये जो है कंडनसेशन में जाके मीन्स क्लाउड्स फॉर्म कर रहे हैं फिर इसके बाद क्लाउड्स जो है वो प्रेसिपिटेट हो गया और वो नीचे ग्राउंड सरफेस पे आ जाता है इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड इसमें इन क्लाउड्स में एनर्जी बहुत होती है हम जैसे हम कई बार फ्लाइट्स में जाते हैं तो ऐसा कहते हैं ना कि मौसम बहुत ख़राब वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है इसी वजह से फ़्लाइट्स नहीं जा पाएंगी या एयरक्राफ्ट्स लेट हो गए हैं तो इन्हीं वजह से मतलब मेन रीज़न जो ये होता है कि ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है बिल्कुल भी फ्लाइट्स नहीं जा रहे तो ये मेन रीज़न होता है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन के ठीक है नाउ थर्ड इज़ औरोग्राफिक औरोग्राफिक बहुत सिंपल है जैसे कि आ, कोई एयर मास हमारा हॉरीजोंटली मूव कर रहा है ठीक है बट रास्ते में अगर कोई नेचुरल टोपोग्राफिकल बैरियर्स आ गए लाइक माउंटेन आ गया ठीक है तो क्या होता है जैसे एयर मास हॉरिजोंटली मूव कर रहा है और यहाँ पे कोई बैरियर आ गया तो उस बैरियर में वो एयर मास जाके हिट करेगा जितना भी मॉइस्चर है उस एयर मास के अंदर वो फ्रॉस्ट के फॉर्म में ऊपर चला जाता है ठीक है ऊपर की तरफ जब राइज अप होता है तब तो वो दोबारा से कंडेंस होके Uh, जो है वो क्लाउड्स बनाते हैं और जो क्लाउड्स हैं फिर रेनफॉल के रेनफॉल uh, के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं ठीक है ये मेनली हमारा कोस्टल रीजन में देखने को ज़्यादा मिलता है सो आई होप आपको ये वीडियो समझ uh, समझ आई होगी इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल